हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू आवर चैनल एक्सप्लोर विद हंसला आरे ट्विन फॉर हंसला आरे। यस वी आर ट्विन फॉर हंसला आरे। तो अभी ये थोड़ा कंफ्यूज होंगे क्योंकि अभी नया नया नाम चेंज किया ट्विन फॉर हंसला आरे। तो आप ही जब गूगल यूट्यूब पे सर्च करें तो ट्विन फॉर हंसला आरे लिख के सर्च करें क्योंकि हमने अपना नाम चेंज कर दिया चैनल का। तो अभी आपको हम लोग बता रहे हैं कि हमारा जो पिछला ब्लॉग था रमजान में ही हमने बनाया था, वो रमजान की शॉपिंग थी ना, रमजान में हमने बनाया था। तो उसमें हम लोगों ने आपको कुछ बताया था कि हम लोग अगला व्लॉग किस पे बनाएंगे, मतलब वो किस पे बेस्ड होगा। तो एक तो हमने आपको बताया था कि जो फाइनल टर्म की जो हमारी प्रिपरेशन हम लोग कैसे करते हैं वो हम लोग अलग से एक व्लॉग बनाएंगे। लेकिन अभी जो हम लोग जिस पे बात कर रहे हैं वो रिजल्ट पे, जैसे कि हम लोगों ने आपको पहले ही बता दिया था कि 2-3 दिन में तो हमारा रिजल्ट आने वाला है। तो अभी हमारा रिजल्ट आ गया है, तो अभी हम लोग आपको बताते हैं कि हमारी पोजीशन क्या आई है और हमारी परसेंटेज क्या आई है। वैसे तो हमारी पोजीशन जो है वो सेम ही है, सेकंड पोजीशन है और परसेंटेज भी हमारी सेम ही है, 99.7 हम दोनों की परसेंटेज आई है, जिस वजह से हमारी सेकंड पोजीशन आई है। और वैसे आपको बता दो टोटल मार्क्स कितने थे। वैसे हमारे 7 सब्जेक्ट्स थे जिसमें जिसके मार्क्स टोटल 700 होते हैं, एक सब्जेक्ट के 100। तो इस तरह हम लोगों ने जो 700 में से हम लोगों ने 698 मार्क्स लिए। तो हम दोनों ने 698 मार्क्स है। तो सारे कह रहे थे कि हम लोगों ने चीटिंग की है। तो ऐसे तो हमारे टीचर्स ने हमें अलग अलग बिठा दिया था, मुझे क्लासरूम के अंदर बिठा दिया और क्लास में बिठा दिया था इन्हें। तो ये होगी पुरानी जो हम लोग बताएंगे कि रिजल्ट, जैसे हम लोगों ने भी आपको बता दिया रिजल्ट। तो अगला जो आज का एक और टॉपिक, दो टॉपिक थे, एक रिजल्ट का और दूसरा हमारे इफ्तार का। तो वैसे हम लोग इफ्तारी करने कहाँ जा रहे हैं पहले बता देते हैं। तो हम लोग जा रहे हैं बेसिकली, तो हम लोग नानों के घर जा रहे हैं। इफ्तार के बारे में आप अगले क्लिप्स में आप देखेंगे। तो अभी बता रहे हैं हम लोग नानों के घर जा रहे हैं बेसिकली, पर वहाँ पे आएंगे इफ्तार के लिए यूसुफ अयूब खान, वो इफ्तार के लिए फुल देखें आप इंजॉय करें। तो अभी हम लोग जा रहे हैं नानों के घर, तो साथ साथ आप हमारी वीडियो भी देखते जाए। तो चलिए हम लोग रेडी होते हैं। तो कम ऑन। जी तो गाइस, अभी हम लोग जा रहे हैं इफ्तार करने। तो हमारा जो छोटा भाई है तो वो सैंडविच लेने गया है, सैंडविच जूस में लेके आएगा। हमारा तो रोजा है अल्हम्दुलिल्लाह। तो आज 1 अप्रैल है और हमारा 11th रोजा है ना, 11th रोजा। तो चले गाइस, अभी हम लोग जाते हैं बाजार का।
ये गाइस ये नानू का घर, यहाँ पे हम लोग आ गए हैं। इधर हमारी इफ्तार होगी। क्यों भाई, चलो कम अंदर जाते हैं। जी तो गाइस हम लोग इधर वेट कर रहे हैं गेस्ट का हंजलौर में, और ये अंकल है हमारे, और इधर ये भी हमारे अंकल हैं, और ये आगे ये हमारे मामू हैं, ये दोनों हमारे मामू हैं। तो ये देखें इस क्लिप में गेस्ट आ गए हैं, और जैसे हमने आपको बताया था पिछले क्लिप में कि ये हमारे गेस्ट ये जिनका नाम है यूसुफ अय्यूब खान। वैसे तो गाइस इफ्तार का मज़ा अपनी जगह है, लेकिन इफ्तार का और रमज़ान की रौनक का अपना ही मज़ा है। जी भैया आपने सही बात की। रोज़ा रखना, इफ्तार कराना या ख़ुद इफ्तार करना बिलाशुबा सवाब का काम है, लेकिन रमज़ान की बरकतें और रहमतें इनका कोई भी नेमल बदल नहीं। तो गाइस देखें ये सब लोग एंजॉय कर रहे हैं इफ्तारी, गपशप आपस में लगा रहे हैं। तो हम लोगों ने भी यहाँ पर बहुत एंजॉय किया। वो देखें वो साथ मेरे बाबा बैठे हुए हैं। हेलो गाइस, कैसे आप सब? मैं थोड़ा सवाल मैं कर लूँ। मैंने भी बहुत एंजॉय किया यहाँ पर। मैंने यहाँ पर इफ्तार की और फिर मैं अपने फ्रेंड्स के साथ खेलने चला गया, और हमने फन भी किया था, बहुत एंजॉय किया था। ये देखें अंजला गुजल है। तो जी तो गाइस वेलकम बैक। तो अभी हम लोग कल, वैसे हमारा एंडिंग आज हम लोग कर रहे हैं क्योंकि कल हम लोग जब वापस आए थे रात को तो हम लोग बहुत थके हुए थे, तो जिस वजह से हम लोग ने कहा कि हम लोग एंडिंग नहीं कर सके। तो अभी हम लोग अपना वेदर एंजॉय कर रहे थे और कहा कि आपको भी खुदा हाफिज कह दें, लेकिन नेक्स्ट व्लॉग में मिलेंगे आपको। तो अगर आपने हमारे चैनल ट्विन फोर हंजलौर को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें ताकि आपको नोटिफिकेशन आते हैं। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आप हमारी वीडियो को लाइक कर दें और साथ साथ शेयर भी करें। और तो सी यू गाइस नेक्स्ट व्लॉग में मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।